नमस्कार, मेरे चैनल गीता के पकवान में आपका स्वागत है। देखिए, हम आज इसी को सब्जी बनाने जा रहे हैं। इसको कंदा बोलते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है सब्जी। आप नीचे से थोड़ा ज़्यादा काटिएगा, नीचे ला जल्दी गलता नहीं है, तो उसको ज़्यादा काट के बनाइएगा। इसका सब्जी बहुत ही टेस्टी लगेगा, आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको साफ़ कर देते हैं। अब कढ़ाई गर्म कर लेते हैं, इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें पीली सरसों डालेंगे। जब आप तड़का डालिए कंदा में, तो पीली सरसों कहीं डालिए, तेजपत्ता डाल दिए। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे, इसमें एक प्याज मीडियम डालेंगे। ज़्यादा प्याज की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही प्याज चाहिए, क्योंकि इसका थोड़ा सा ग्रेवी अच्छा आए। अब थोड़ा सा भुनने के बाद कंदा डाल देंगे, कि कंदा भी प्याज के साथ साथ भुनाएगा। अब कंदा भी डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। इसमें नमक डाल देते हैं। नमक डाल देंगे तो कंदा जल्दी पक जाएगा। चलाकर इसको ढक देंगे। धीमी आंच में इसको ढक कर धीमी आंच करके 10 मिनट पकने देंगे। अब देखिए आधा भुंजा गया है। अब इसमें अदरक और लहसुन कूट कर डालेंगे। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, जीरा डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये इतना अच्छा सब्जी है कि देखिए भूनते भूनते ही पक गया। अब चाहे तो चावल के साथ जब खाएं तो इसी तरह भी खा सकते हैं। आलू की सब्जी की तरह लगेगा, पूरा गला हुआ मुंह में पूरा घुल जाएगा। अब देखिए ये पूरा मसाला भुना गया है। वे थोड़ा चलाकर फिर पानी डालेंगे। ऐसे पानी डाल देते हैं। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि सब्जी पका हुआ है, पूरा गल गया है। थोड़ा सा ग्रेवी भर पानी डालेंगे, फिर इसमें मैं बताऊंगी कि बाद में क्या डालना है। देखिए 10 मिनट हो गया है। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सब्जी पूरा पक गया है, अच्छी तरह से पूरा गल गया है। अब इसको अच्छी तरह से मिलाकर देखिए, आपको चेक करा देते हैं कि सब्जी गला है कि नहीं। पूरा ये पक गया है, देखिए पूरा घुल गया है। तो चलिए अब इसको अच्छी तरह से मिलाकर प्लेटिंग करेंगे। इसे उतार देते हैं, गैस ऑफ कर देते हैं इसको। अब देखिए ये धनिया है, धनिया को भून लिए अच्छी तरह से, उसको मिक्सी में पीस कर और इसके ऊपर से डालेंगे। ऐसे करके डालकर आप खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा सा आमचूर या चाट मसाला कुछ भी आप डाल सकते हैं। डालकर आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।